फरीद साहब ये बताइएगा कि जब से इस्तेहकाम पाकिस्तान बनी है ज्यादातर लोग इसमें तरीके इंसाफ के शामिल हुए हैं, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी क्या लोग शामिल इसमें हो सकते हैं या फिर तरीके इंसाफ के लोग ही जो है इसमें शामिल होंगे, ये सर क्लियर कर दें। देखिए ये बात तो कोई नहीं कह सकता कौन सी पार्टी से शामिल हो गए नहीं होंगे, मगर इस वक्त क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके साथ हमारे सबसे ज्यादा ताल्लुक रहा है, तो ये पहला नेचुरल यही है कि पीटीआई के लोग ही आएंगे हमारे पास और वहां से इंशाल्लाह ताला अब शुरू करेंगे, उसके बाद तो हर किस्म के लोग आ जाते हैं, हर पार्टियों से लोग आते हैं। जो नौ मई को हुआ उसके बाद एक पार्टी के सरबरा होने के नाते क्या आप समझते हैं कि तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए इलेक्शन में या इन्हें हिसाब देने की इजाजत होनी चाहिए? देखिए जी पाबंदियां तो नहीं लगनी चाहिए किसी के ऊपर भी, सियासत है पूरी खुली तरीके से बात होनी चाहिए। आप सब मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी पार्टी पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम की वजह से उसके ऊपर कदगन लगानी चाहिए। हर बार आला पार्टी को अपने तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहिए और मैं तो नहीं समझता कि कभी भी किसी की ये सोच है तो वो सोच मैं समझता हूँ सियासी नहीं है।